मरियम, हम एक बहुत बड़ी मील स्टोर करने जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ चलें। अब वो आज नहीं, आज सुबह सुबह चीकू का हाथ जल गया था, मैं उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहती और फवाद भी नाराज हो गया था मुझसे, तो आज रहने दीजिए ना। बेटा बच्चों को चोट लगते रहती है, मैं समझ सकता हूँ कि वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम हमारा सारा काम छोड़ के उनको तो नहीं देख सकते ना, दूसरा काम करना भी तो जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है और आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मरियम आप जाइए अबू के साथ, मैं हूँ घर पर, चीकू का ध्यान रखूंगी। चीकू सॉरी मुझे जाना पड़ रहा है, कुछ भी चाहिए होगा ना, अम्मी बीजी हैं सब लोग घर पे, उन्हें बोल देना, ठीक है? चलिए चलिए। ये गए हैं, एक एक करके सारे घर वाले भी चले जाएंगे, बचेंगे सिर्फ हम तीनों, फिर आएगा कहानी में ट्विस्ट। इतनी देर हो गई फोन भी नहीं किया, एटीट्यूड, ईगो का कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला मरियम। फोन नहीं तो एक मैसेज ही सही, लेकिन नहीं, अपनी नाक तो हमेशा ऊंची करके रखनी है, गुस्सा खुद है और अकड़ भी खुद की कम नहीं हो रही। एक बात भी बात कर लेता तो मैं भी ठीक से बात कर लेती, मैं थोड़ी ना नाराज हूं उससे। अरे आप बताइए हुआ क्या है, कहाँ है सब लोग? सब लोग घर से बाहर गए किसी काम से, आप देखो ना भाभी जान को क्या हुआ है। ये किसे किया? चीकू। क्या चीकू? हाँ फवाद ही सच है, छह साल की बच्ची वो ये सब कैसे कर सकती है? वो छह साल की दिखती है लेकिन जब वो चाकू हाथ में ले लेती है ना, वो छह साल की नहीं दिखती है। आप देखो ना वो भाभी लड़कों क्या हाल कर दिया उसने, तुम्हें पता है हम दोनों कैसे जानना चाहिए उनकी? वो तो अल्लाह का शुक्र है, ये तो हमारा तो जनाजा ही निकल गया। क्या हो गया बेटा, क्या? तुम डरो मत, तुम्हारे अबू आ गए यहाँ पे, पता क्या हुआ? कैसे हो गया तुम, तुमसे ये सब कैसे हो गया? मुझे ये बोला गया था। बोला गया था? किसने बोला था बताओ मुझे, बताओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, बताओ मुझे। उन्होंने मेरा इसीलिए जलाया था क्योंकि मैंने उनकी बात मानने से मना कर दिया। चीकू तुम किसकी बात कर रही हो? अम्मी ने। उन्होंने कहा कि मैंने दादी को चोट नहीं लगाई तो इस बार वो मेरा हाथ धीरे मुझे पूरा जला देंगी। क्या सोच रहे हो फवाद, क्या करना चाहिए?
बाद सारे घर वालों को फोन करके बुलाओ। ऐसी क्या बात हुई होगी जो छोटी मामाने ने इतनी अर्जेंटली बुलाया? ऐसा लग रहा है बड़ी मामाने की कोई ना कोई साजिश जरूर है। मम्मी, आप लोग कहाँ गए थे? गजाला खाला के यहाँ गए थे। किसी ने फोन किया था कि उनका इंतकाल हो गया, वहां जाके देखा वो तो बिल्कुल ठीक थे। प्रैंक कॉल था। और चीकू किसके साथ है? चीकू थे मेहर हुसैन के साथ गई कॉलेज। मेहर अभी आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और चीकू कहाँ है? आलिया के स्कूल से फोन आया था, उन्होंने बोला कि आप जल्दी आ जाइए, पर हम वहाँ पहुँचे तो प्रिंसिपल ने कहा कि हमारी तरफ से तो कोई फोन ही नहीं गया था। किसी ने प्रैंक कॉल किया था, हमें दोबारा कॉल किया, किसी ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब ये सारे इंसिडेंट्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मुमानी का ही गेम प्लान है, और मुझे और उनका असली चेहरा सबके सामने लाना ही होगा। चीकू कहाँ हो? सो रही है। अच्छा नहीं, वो सब लोग घर पे थे तो मैं उसे, मतलब मुझे जाना पड़ा क्योंकि एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन था एक स्टोरी को लेकर, तो मुझे अबू के साथ ऑफिस जाना पड़ा। लेकिन सब ठीक तो लग ही रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रही। ठीक नहीं है, जरूरी नहीं होता कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हमेशा नजर आएगी। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि मुझे तुम्हारे एंड से ये सब देखने को मिलेगा। मुझे नहीं पता था कि ये जो प्यार का दिखावा कर रही है उसके पीछे तुम्हारा ये स्टूपिड मोटिव है। तुमने एक छोटी सी बच्ची को यूज किया अपने मकसद के लिए। I can't believe this. ये तुम क्या बोल रहे हो? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? मुझे सीरियसली समझ में नहीं आ रहा तुम बोल क्या रहे हो? Really? ये इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो तुम मरियम, मासूमियत का मजाक मत उड़ाओ। तुमने चीकू को ब्लैकमेल किया? What? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच बता रहा हूँ जो खुद मुझे चीकू ने बताया। तुमने चीकू को यूज किया? ये सब चीकू ने तुमसे बोला? वो ऐसा क्यों कहेगी? वो इसलिए ऐसा कहेगी क्योंकि ये सब सच है। अगर मेरी अम्मी ने मुझसे इस सब का पता ना, तो मैं उन पर यकीन नहीं करता। लेकिन एक छोटी सी बच्ची झूठ क्यों बोलेगी? उसने मुझे तुम्हारी सारी हरकतों के बारे में बता दिया। कैसी हरकतें? कि तुमने गर्म दूध से उसके हाथों को जलाया, उसे डराया कि अगर वो तुम्हारा काम नहीं करेगी तो मुझे पूरा जला दोगी। वह तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं ये सब करूंगी? तुम्हें सीरियसली लगता है कि मैं वो कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल लगता है मुझे। जिसके सर पर किसी को नीचे दिखाने का भूत सवार हो ना, वो कुछ भी कर सकता है। अपने आपको डिफेंड करी? कल रात को तुम मीजे अम्मी की सत्य बातें कर रही थी कि तुम मेरी अम्मी की औकात मेरे सामने दिखाओगी।